मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने आज बयान जारी कर बताया कि मेदांता के क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें भर्ती कराया गया है। विशेषज्ञों की टीम उनका इलाज कर रही है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के चलते आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन अभी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। उधर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव उन्हें देखने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत कर मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को आश्वासन दिया है कि वह हर संभव मदद करेंगे और सहायता देने के लिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक पीएम योगी ने अस्पताल में डॉक्टरों से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को बेहतरीन इलाज मुहैया कराने के लिए कहा है। सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का हाल चाल लेने के लिए उनके परिवार के सदस्य गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव वहां मौजूद हैं, वहीं अखिलेश यादव भी अपने पिता का हाल चाल लेने अस्पताल पहुंचे हैं। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से गुरुग्राम में ना जुटने की अपील की है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव का इलाज ऑक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन सूद और डॉक्टर सुशील कटारिया की देखभाल में चल रहा है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से बात कर उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली, मैंने उनके बेटे अखिलेश यादव से फोन पर बात कर उनका हाल चाल जाना है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मुलायम सिंह जी की खराब सेहत का समाचार प्राप्त हुआ, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के अस्वस्थ होने की सूचना प्राप्त हुई, मैं प्रभु श्री राम जी से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की सेहत खराब होने की मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, मैं भगवान से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।